जर्नी की सोर्सेस खाली मेरा फादर का साथ मेरा कन्वर्सेशन नहीं, उनकी डायरी से भी मैंने काफी तथ्य मुझे मिला है। रिपोर्ट करके अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो कॉन्ट्रोवर्सी होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में जो फर्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि पीएमओ को चलाए। ये बात खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। मैम, आपने एक किताब लिखी है अपने पिता की पूरी जर्नी, आपके पिता होने के साथ साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति होने की, आपकी जर्नी कैसी रही ये किताब लिखने की? बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, काफी इमोशनल भी रही, बिकॉज इस जर्नी की सोर्सेस खाली मेरा फादर का साथ मेरा कन्वर्सेशन नहीं, उनकी डायरी से भी मैंने काफी तथ्य मुझे मिला है, तो उनकी डायरी पढ़ना थोड़ा सा इमोशनल था शुरू में, क्योंकि उनकी देहांत के बाद ही ये डायरीज मैंने पढ़ी तो, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे जानने के लिए मिला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैम, आपको भी पता है कई सारे पॉइंट्स आपकी किताब के हैं जो इस समय बहुत चर्चा में आ गए हैं, बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप इस पे? देखिए, 50 साल मेरा फादर 50 साल से भी ऊपर पॉलिटिक्स में रहे, और तो नेचुरली उनके विषय में अगर मैं लिखूंगी और उनको डायरीज कोट करके, उनका साथ मेरा जो कन्वर्सेशन हुए हैं उनको कोट करके अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो कॉन्ट्रोवर्सी होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ विषय ऐसे हैं तो जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी होना है, पॉलिटिक्स एक फील्ड ही ऐसे है कि जिसमें जो कॉन्ट्रोवर्सीज को बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। एक में बहुत अच्छा किस्सा है एएमपीएम का, एक दिन राहुल गांधी जी मेरे फादर के साथ मिलने के लिए आए और बाबा तब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे प्रेसिडेंट, तो मिले वो ऐसे, फिर बाद में पता चला कि राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे, तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी, तो मुझे एडीसी से पता चला, तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को तो उन्होंने बोला कि, थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में जो फर्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि पीएमओ को चलाएंगे। एक मैम, आपने एक और दावा किया इस किताब में कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था कि राहुल गांधी बहुत कल्चर्स हैं, फुल ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन पॉलिटिकली इमेच्योर है, कैसे? उनको ये लगा राहुल गांधी जी की कुछ स्टेटमेंट्स में, राहुल गांधी जी की देखिए बारे में ऑब्वियसली आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप पूछेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी डायरीज में बहुत ज्यादा राहुल गांधी जी के बारे में है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ इंट्रैक्शंस कुछ यूपीए का टाइम पे हुआ है और कुछ जब प्रेसिडेंट थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए आते थे, तो उनका जो ऑब्जर्वेशंस राहुल गांधी के बारे में रहा उसके बारे में मैंने बताया कि वो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं, तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसमें बारे में भी मेरे फादर का उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय पे। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दिया था कि आपको कैबिनेट में आना चाहिए और प्रशासन कैसे चलाना पड़ता है उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इतने साल जब जिन लोगों का साथ काम किए हैं, काफी सारे क्रूशियल मिनिस्ट्रीज में रहे, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगे ही, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मेरे फादर बहुत क्लियर थे, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आते हैं, उस सारे विषय में कुछ भी चर्चा नहीं है इस पे। सो वो जब सरकार डीक्लासिफाई करेंगे तभी उस बारे में वो पब्लिक डोमेन में आएगा, लेकिन इस मेरा किताब का जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि उन्होंने जो इतने सारे लीडर्स का साथ, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर का साथ काम किया है, इंदिरा गांधी जी को लेकर नरेंद्र मोदी तक, उनका पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसा रहा लोगों का साथ, मेरा फोकस इस विषय पे था, तो उसमें काफी सारे इंसाइट्स मुझे अलग अलग इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले हैं जो कि इस किताब में मैंने खुलकर लिखा है। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रणव दा ने कई सारे मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, ये भी है कि खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? हाँ बिल्कुल बनना चाहते थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि वो बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाएंगे, तो
तो इस बात को उनपे उनको कोई डिसिल्यूशनमेंट में नहीं था कि एक दिन बनेंगे, बट हाँ ऑफकोर्स वो बनना चाहते थे। ये बात खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। तो बिल्कुल मैंने पूछा, तो उनका कहना यही था कि सोनिया गांधी जी का उनको शायद सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे। तो मैंने ये बात पूछा कि मैं आप क्या चैलेंज करते, तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा। उन्होंने बोला देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो यहां सब कोई चाहता है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे। तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपने परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे थे, और उनको जिनको सही लगा कि वो सोनिया जी की अथॉरिटी चैलेंज नहीं करेंगे उनको बनाया, तो इसमें कोई आर्गुमेंट की कोई बात ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।